2017 के उस मामले को जिसमें एक राजनीतिक पार्टी का एमएलए जिसने पीड़िता के साथ में ज्यादतियों पर ज्यादतियां किया, पहले बलात्कार और उसके बाद में एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया, और उसके बाद में जब पीड़िता ने विधानसभा के सामने जाकर आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर के एफआईआर का प्रावधान हुआ। अब माना ऐसा जा रहा है कि 16 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। जिस वक्त ये सारा का सारा प्रकरण सामने आया है, जघन्य अपराध सामने आया था, पीड़िता ने जब एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की और उसके बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली थी, और फिर जब मामला मीडिया में आया उसके बाद में एफआईआर तो दर्ज की गई, मगर इस कदर धमकाया गया पीड़िता के परिवार को, यहां तक कि उसके चाचा और उस पिता के साथ में मारपीट की गई, उसमें मौत हुई, और फिर उसके बाद में पीड़िता के परिवार को एक साथ खत्म करने की साजिश रची गई जिसमें बमुश्किल पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही इस वक्त बची हुई है।